Hey, what's up, guys? So, hey, what's up, guys? सब लोग आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एक सर्वर कैसे बना सकते हैं माइनक्राफ्ट का बिल्कुल फ्री में। और आप गाइस किसी भी ब्राउजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, गूगल क्रोम का, मतलब गूगल क्रोम का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको हटार से लिख देना है Eternos, यहाँ पर आपको लिख देना। अरे मैंने तो पहले से बना के रखा है। दो मिनट। Eternos यहाँ पर आपको लिख देना। और यहाँ पर मैं ये कट कर दे रहा हूँ भाई, क्योंकि यहाँ पर बस हमको Eternos लिखना है। ये जो है पहली वाली वेबसाइट आएगी, आपको इस पर ही क्लिक कर देना है। और फिर कुछ ऐसा आएगा, माइनक्राफ्ट सर्वर फ्री फॉर एवर। आपको प्ले पर क्लिक कर देना है और आपको ये क्रिएट क्रिएट के बटन पर क्लिक कर देना। मैंने पहले भी बना के रखा है। आपको यहाँ पर भला ही आप फोन में बना रहे हो, मगर आपको जावा एडिशन पर ही क्लिक करना है, क्योंकि इसका एक सिंपल सा ही रीजन है भाई। है सॉरी। और गाइस आप देखो, ये वाला हमारा सर्वर बन के रेडी हो जाएगा। बात सोच रहे कि भाई हमने तो इसमें कुछ किया ही नहीं, अब ये कैसे बन गया? भाई आपको जो साइड में ये नहीं दिख रहे, अरे जो ये दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो कुछ ऐसा देखा, आपको यहाँ पर वर्ल्ड पर क्लिक करना है, वर्ल्ड पर क्लिक करना है। और आपको जनरेट पर क्लिक कर देना है। और फिर यहाँ पर आपको वर्ल्ड नेम पर आ जाना है। वर्ल्ड नेम वो रख रहा हूँ, अपनी SMP का मैं नाम रख रहा हूँ। Timeless SMP, ये मैंने अपना अजीब सा नाम रख दिया है। और गाइस आपको फिर कुछ भी नहीं करना है। जैसे यहाँ पर वर्ल्ड टाइप में आप देखो, मैंने यहाँ पर कर दिया है वर्ल्ड टाइप नॉर्मल। और यहाँ पर जनरेट स्ट्रक्चर को आपको कर दे, और वेनिला को आपको बिल्कुल भी नहीं हटाना है, वरना तो तय हो रहा है भाई आपका सर्वर। क्योंकि भाई जब तक वनीला जब तक आप पहले आपको फिर एक्सेस पर क्लिक कर देना है। और आपको, अरे भाई मैं क्या बता रहा हूँ, एक्सेस पर नहीं करना, मैं यहाँ पर ये वलीना करते जा रहा हूँ भाई, वली। जब तक आपका गाइस आपको फिर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और गाइस जब तक आपका पहले आपको कमांड ब्लॉक रिमूव कर देना, वरना तय हो जाएगा आपका सर्वर। क्योंकि अगर कमांड ब्लॉक ही रख दोगे तो भाई दूसरे प्लेयर भी कमांड ब्लॉक लेके भाई मजे करेंगे। इसलिए आपको ये क्रैक्ड पर भी कर देना, अगर आप क्रैक्ड माइनक्राफ्ट खेलते हो तो। अगर आप क्रैक्ड नहीं खेलते हो तो मतलब आपके फ्रेंड्स को भी खेलना और वो क्रैक्ड माइनक्राफ्ट खेलते हैं, मतलब मैं पहले डिफिकल्टी नॉर्मल कर दू रहे। और फिर आपको गाइस यहाँ से बैक आ जाना है। और फिर यहाँ पर गाइस मतलब जब तक आप यहाँ पर वनीला माइनक्राफ्ट को अगर आप ओपन नहीं रखोगे तो भाई आपका माइनक्राफ्ट चलेगा क्या? फिर आपको यहाँ पर गाइस आपको आ जाना है फाइल्स पर, और आपको ये वाली टाइमलेस SMP का ये वाला फाइल भी डाउनलोड कर लेना है, ये वाला। तो गाइस ये हो जाएगा। जब आपको भाई ओपन नहीं करना है, आपको ओपन बिल्कुल भी नहीं करना। फिर आपको यहाँ पर आ जाना है बैक में, और फिर आपको यहाँ पर ट्रिपल डॉट पर फिर से क्लिक करना है, आपको सॉफ्टवेयर पर आ जाना है। और फिर यहाँ पर आपको आते हैं आप इस पिगॉट/बकेट को भी डाउनलोड कर सकते हो, paper/bucket को भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं प्रेफर करूंगा कि आप paper/bucket को ही डाउनलोड करो। और अगर मतलब आपको 1.20.1 को ही डाउनलोड करना है, इसका लेटेस्ट वर्जन ही आपको डाउनलोड करना है। भला ये आपका 16 ही क्यों ना हो, क्योंकि मैं आपको एक बाद में एक प्लगइन भी बता दूंगा, जिससे आप मस्त एकदम आप किसी भी वर्जन में खेलोगे भाई। और फिर आपको यहाँ से सीधा सिंपली बैक भी आ जाना है। फिर यहाँ पर आपको स्पिगॉट बकेट पर आना है, और फिर इसका भी लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि भाई दोनों का कर लोगे तो आपका भाई सर्वर हो जाएगा भाई बहुत सही। और अगर आपको 24/7 का बनाना है तो
तो भाई मैं इसी वीडियो में मैं बता तो सकता हूँ, मगर उसके लिए आपके सर्वर में कोई होना भी चाहिए। फिर आपको यहाँ पर आ जाना है, फिर यहाँ पर अबे 2 मिनट, फिर यहाँ पर आपको ऑप्शंस में जाना है। अबे मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? आप चाहो तो आप स्लॉट्स को भी 50 मतलब 40 कर सकते हो, 40। तो चलो ये मैंने 40 स्लॉट कर दिया है। और फिर से आपको ट्रिपल, हाँ देखो जैसे मतलब फिर आपको ट्रिपल डॉट पर आ जाना भाई, कुछ इशू हो गया था इसलिए ये प्लगइन्स का नहीं आ रहा था। फिर आपको ये प्लगइन्स पर क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पर आपको लिखना है गीजर एमसी गीजर एमसी यहाँ पर आपको सर्च कर देना है। फिर गीजर एमसी सबसे पहले पर आपको दिख जाएगा, फिर आपको यहाँ पर सर्च करना है। नहीं 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 भाई मैं गलत बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको ये वाला डाउनलोड कर देना है। फिर आपको यहाँ पर विया सर्च करना है, विया पहले भाई इसको तो डाउनलोड हो जाने दो, ये बेडरॉक के लिए सबसे सही है। और दो मिनट, हाँ मैंने सही किया। और फिर आपको यहाँ पर सर्च करना है विया, और फिर आपको यहाँ पर ये सर्च पर कर देना, आपको विया वर्धन और विया बैकवर्ड को भी आपको डाउनलोड कर देना। सबसे पहले आप विया वर्धन को आप डाउनलोड कर देना, इसका भी लेटेस्ट वर्जन ही आपको करना है। चलो भाई अभी हम डाउनलोड कर लेते हैं फटाफट से, और अगर आपने कोई सा भी वर्जन किया तो भाई पता नहीं क्या होगा मगर सही है। और फिर आपको विया बैकवर्ड को भी डाउनलोड कर देना, इसका भी सबसे पहला वर्जन ही आपको डाउनलोड करना है, यानी सबसे टॉप का वर्जन। और फिर आपको यहाँ से बैक आ जाना है, और फिर आपको यहाँ पर आ जाना है सर्वर्स पर, और फिर दो मिनट, और फिर अगर आपको अपने आपको ऑपरेटर बनाना है तो आपको प्लेयर्स पर जाना है, और फिर ओपीएस लिख के आ रहा है, आपको यहाँ पर आ जाना है, अपना यूजर नेम डाल देना है, फिर एड, फिर सर्च कर देना है और अपने आपको ऑपरेटर दे देना है बस। सबसे पहले भाई अभी हम ये सर्वर्स पर चले जाते हैं, सर्वर्स पर अभी आप अपना ये वाला सर्वर, दो मिनट, हाँ मैंने कर दिया था। सबसे पहले अभी आपको सर्वर्स पर चले जाना है, फिर आपको ये ऑफलाइन होगा, आपको ये ऑनलाइन बना देना है, यस ब्रो। फिर आपको सबसे मतलब आप फिर आप यहाँ पर ये कॉपी कर सकते हो, मतलब कॉपी कर सकते हो नहीं, कॉपी ही करना है। और देख लो भाई यहाँ पर आपको इसका ये आईपी पोर्ट भी मिल जाएगा, मेरी एसएमपी भी ये वाली मेरी एक एसएमपी बन चुकी है जिसका नाम मैंने रखा है टाइगर एसएमपी, शायद भाई मैं भूल गया, आप खुद की एसएमपी का नाम मैं भूल गया। मैंने स्पीकॉट भी डाउनलोड कर लिया भाई, मैंने हर चीज ऐसी और भाई प्लीज आप मेरी एसएमपी को प्लीज ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर दिख रहा है किंग एयर शौर्य डॉट एटर्नोस डॉट मी, फिर इसका ये वाला पोर्ट है भाई, ये है इसका पोर्ट, ये है इसका पोर्ट 44217 बस। भाई पता नहीं है क्यों नहीं ओ या दो मिनट। सो गाइस कुछ ऐसे आपका ये सर्वर ऑनलाइन हो गया मेरा भाई, ये अबे रिस्टार्ट नहीं करना था मुझको, मगर ये 10 करोड़ साल बाद तो ये हो ही गया, वेरी गुड। अभी हम चलते हैं फटाफट से, अबे नहीं, पहले इसको भाई पूरा स्टार्ट होने दो। अभी मैंने कर दिया है भाई, मैंने अपने हाथों पर भी ये लिख लिया है, इसका आईपी पोर्ट एड्रेस ये जो भी होता है मैंने लिख लिया है। और फिर गाइस अभी ये बस स्टार्ट ही होने वाला है, आप मेरी एसएमपी भाई प्लीज ज्वाइन करना, शायद इसका नाम टाइगर एसएमपी था भाई, मगर जो भी नाम था भाई मैं ही भूल चुका हूँ अपनी एसएमपी का। चलो भाई अभी नाम देखते हैं, मैंने भाई चलो अभी हम देखो भाई कुछ ऐसी आवाज आएगी जब आपका ये बनेगा, वो टाइमलेस एसएमपी था इसका नाम, टाइमलेस एसएमपी। अबे गाइस मैं इसको चालू करने के बाद ही मिल,
तो गाइस ये हो गई है मेरी एसएमपी स्टार्ट और अभी मैं चलता हूँ माइनक्राफ्ट में और अभी आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ। पहले मैं ये बंद कर लेता हूँ ये। अरे साउंड कम हो जा, इसकी भैंस की कान हो जा कम, कॉपीराइट मतलब। हाँ भाई हो गया हो गया हो गया गाइस। वेट मैं आपसे माइनक्राफ्ट चलने के हाँ भाई चल गया बैठिए। और अभी मैं आपको सीधा दिखाऊंगी भाई, प्लीज आप ज्वाइन कर लेना प्लीज। और आपका भाई साइन इन तो होना ही चाहिए ये चलने के लिए। भाई मैंने 24/7 बना के रखे हैं, आप 24/7 इसको कर सकते हो अगर। भाई पहले मैं ये डाल देता हूँ, इसका था ये KING किंग ARSHAURY शौर्य एटर्नस। नहीं 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 मैंने गलत कर दिया, शौर्य डॉट एटर्नस, रुक जा सही लिखा है ना, हाँ एटर्नस डॉट नी, और फिर इसको भी चेंज कर देना है। और मैं यहाँ पर आने वाला हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4421 7 बस। और मैं इसके नाम में तो मैं किंग लिख देता हूँ KING किंग SMP बस, किंग SMP मैंने इसका नाम दे दिया है। और चलो भाई फटर से हम अपने SMP को ज्वाइन करते जो हमने बनाई है मेरे। अभी भाई देख ही सकते हो लोकेटिंग सर्वर हो गया है भाई, बहुत सही सर्वर मैंने इसको बना दिया है। चलो भाई अभी ये जनरेटिंग वर्ल्ड हो रहा है और अभी इसमें आप किसी भी वर्जन के प्लेयर दो भाई प्लीज, इसको प्लीज भाई कर लो टाइमलेस SMP मैंने इसका नाम दिया, मगर असल में मैंने इसका नाम भाई किंग SMP मैंने अपने में रख दिया, असल में इसका नाम टाइमलेस SMP है। कास्ट मेडल ज्वाइन द गेम गाइस, आज से इसकी वीडियोस आएंगी। चलो बैठिए मैं तो चलो भाई मैं तो। और गाइस ये अभी SMP बनी है इसलिए आपको इसमें कुछ भी मतलब ज़्यादा वो सभी फालतू की चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, जैसे वो सभी बिल्ड्स नहीं होते वो आपको देखने को नहीं मिल सकते, मगर सब देखने को मिलेगा बाकी। और भाई आप सोच रहे हो ना कि ये गेम मोड आप चेंज कर सकते हो, घंटा रे घंटा भाई जितनी देर खेलना आप खेल सकते हो, बस आपको एक बार ऑनलाइन आ जाना है। और अगर भाई ऑफलाइन हो जाए तो आप कमेंट में लिख सकते हो भाई, मैं इसको बाद में चालू कर दूंगा। ओके मैं तो इसलिए आई ओवर लगी कर दी, अगली वीडियो एंड बाय।